औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहसिन एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो हमारी जो असाइनमेंट CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की जो असाइनमेंट नंबर 2 आई हुई है उस हवाले से है। तो आइए हम लोग अपनी असाइनमेंट को देखते हैं। दोस्तों असाइनमेंट शुरू करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले जो है असाइनमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हमें से रिक्वायर्ड की गई हैं उनको देख लें। तो जब हम असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं तो फिर हम मतलब एक अच्छी असाइनमेंट बना सकते हैं। तो हमारी असाइनमेंट में जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं वो कुछ ऐसे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एन HTML विद जावा स्क्रिप्ट कोड। हमने HTML का भी कोड लिखना है और जावा का कोड लिखना है टू क्रिएट एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेटर। और उससे हमने जो है एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेटर बनाना है वेब बेस्ड शोन एज बिलो, जैसे हमें इस इमेज के अंदर दिखाया गया। आगे कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या हैं जी। क्रिएट हेडिंग एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेटर यूजिंग H1 टैग। हमने जो एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेटर लिखना है वो H1 का टैग यूज़ करके लिखना है। एंड वेलकम टू ऑनलाइन सैलरी कैलकुलेटर यूजिंग H3 टैग। और उसके बाद जो हमारी हेडिंग आ रही है वेलकम टू ऑनलाइन सैलरी कैलकुलेटर, वो हमने H3 का टैग यूज़ करके लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, क्रिएट टेक्स्ट बॉक्सेस फॉर एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम एंड फादर नेम एंड शो यूर ओन VU ID एज एम्प्लॉय ID नेम एंड फादर नेम एज डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और फिर हमने जो है एम्प्लॉय ID की जगह पे अपना VU का ID देना है और एम्प्लॉय नेम की जगह पे अपना नाम देना है और फादर नेम की जगह पे अपने अबू का नाम लिख देंगे। और ये सारी वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे वेब पेज के अंदर अपलोड होनी चाहिए जी। नेक्स्ट, यू विल बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट 2 रेडियो बटन फॉर जेंडर। फिर हमने 2 रेडियो बटन कैलकुलेट करने हैं। और रेडियो बटन की खासियत मैंने लास्ट असाइनमेंट में भी बताया था कि जो रेडियो बटन है वो एक वक्त में हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट योर जेंडर शुड बी सेलेक्टेड। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारी जेंडर जो है वो सेलेक्टेड होनी चाहिए। मीन्स टू से कि अगर हम मेल हैं तो मेल आना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड। अगर हम फीमेल हैं, कोई मेरी बहन असाइनमेंट बना रही हैं तो वो फिर वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल सेलेक्टेड आना चाहिए। इसके बाद है जी CNIC फॉर्मेट शुड बी फॉलोड। ये इस तरह का फॉर्मेट जैसे होता है कि मतलब उसमें 2 डैशेस हैं। यहाँ पे जैसे दिया गया है 331008565814-1 इसी फॉर्मेट के अंदर हमारा CNIC आना चाहिए। राइट योर ओन CNIC। फिर वहाँ पे हमने अपना CNIC लिखना है। उसके बाद क्रिएट 2 बटन लेबल्ड एज कैलकुलेट एंड रीसेट। और फिर हमने 2 बटन बनाने हैं, एक को हमने नाम देना है कैलकुलेट का और दूसरे को देना है रीसेट का। ऑन क्लिक इवेंट ऑफ कैलकुलेट बटन, जब ऑन क्लिक आए मतलब उसके ऊपर हमने एक फंक्शन लगाना है ऑन क्लिक का। तो जब उसके ऊपर क्लिक होगा उस बटन के ऊपर, द जावा स्क्रिप्ट फंक्शन सेल कैल फंक्शन शुड बी कॉल्ड। तो हमारा ये जो फंक्शन है सेल सम्राट सैलरी लिया गया, कैल सम्राट कैलकुलेटर लिया गया, तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। यही फंक्शन का नाम भी हमने यही रखना, बी कॉल्ड टू चेक द बेसिक सैलरी एंटर और नॉट। तो वो ये चेक करे कि हमारी जो बेसिक सैलरी वाली फील्ड है उसके अंदर सैलरी एंटर हुई है या नहीं हुई। अलर्ट मैसेज शुड बी शोन अकॉर्डिंगली। और एक अलर्ट मैसेज आना चाहिए इफ़ द सैलरी इज़ नॉट गिवन, अगर हम सैलरी एंटर नहीं करते। इफ़ सैलरी इज़ इन द टेक्स्ट बॉक्स, अगर सैलरी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है, देन योर टेलेटिव शुड बी कैलकुलेटेड एज 10% ऑफ बेसिक सैलरी ऑटोमेटिकली। तो हमारी जो यूटिलिटीज़ हैं वो 10% जितनी भी हमने बेसिक सैलरी डाली है, फॉर एग्जांपल हमने 100 डाला है तो 10% के हिसाब से 10 रुपीज़ बन गया, तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए। उसके बाद सिमिलरली हाउस रेंट शुड बी एडेड 8% ऑफ टैक्स परसेंटेज। और हमारा जो है हाउस रेंट भी कैलकुलेट होना चाहिए ऑटोमेटिकली और वो विद दी परसेंटेज ऑफ 8% आना चाहिए। विल बी डिटेक्टिव सिमिलरली। उसके बाद है जी ऑटोमेटिकली विल बी डिटेक्टेड 2% फ्रॉम बेसिक सैलरी। और टैक्स जो है वो हमारा डिटेक्ट हो जाना चाहिए 2% के हिसाब से फ्रॉम बेसिक सैलरी। फाइनली टोटल सैलरी शुड बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट। और टोटल सैलरी भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होनी चाहिए इन द रेलिवेंट टेक्स्ट बॉक्स बाय एडिंग ऑल फील्ड्स एंड डिटेक्टिंग टैक्स। और उसमें से टैक्स भी डिटेक्ट हो जाए और ऊपर हमने जो हाउस रेंट और यूटिलिटीज़ कैलकुलेट किया वो भी उसके अंदर ऐड हो जाए, तो ये सारी चीज़ें ऐड प्लस माइनस होने के बाद टोटल सैलरी भी खुद कैलकुलेट होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड लास्ट रिक्वायरमेंट आती है, बिफोर क्लिकिंग ऑन कैलकुलेट बटन यू मस्ट एंटर बेसिक सैलरी अदरवाइज अलर्ट बॉक्स शुड बी शोन अकॉर्डिंगली एटसेट्रा। तो हमारा अलर्ट बॉक्स आना चाहिए अगर हम उसके अंदर बेसिक सैलरी कैलकुलेट नहीं करते, और उसके ऊपर मैसेज जो है वो ये आना चाहिए बेसिक सैलरी इज़ मिसिंग, जैसा कि इस मतलब तस्वीर नंबर 2 के अंदर हमें दिखाया गया। आगे लास्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यूजिंग सेलेक्ट टैग क्रिएट एनी 5 टैक्स ईयर ऑप्शन आई ई दैट इज़, हमने 4 जो है 5 वो टैक्स ईयर कैलकुलेट बताने हैं, वो सिलेक्टेड ऑप्शन के हम कोई एक ईयर सेलेक्ट करें और उसकी हम कैलकुलेट कर रहे हों। उसमें 2014 है, 15 है, 16 है, 17 और 18 हैं। बट ऑन रनिंग वेब पेज, जब वेब पेज रन हो बाई डिफ़ॉल्ट 2014 टैक्स ईयर शुड बी सिलेक्टेड और 2014 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आना चाहिए। दोस्तों ये है हमारी मतलब CS101 की असाइनमेंट और उसकी रिक्वायरमेंट। आइए हम इसको बनाएंगे कैसे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर हम जो है मैंने HTML का टैग लिखा, उसके बाद हेड का और फिर टाइटल का, और टाइटल में मैंने डाल दिया जी एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेटर और विद VSSS, और टाइटल को क्लोज कर दिया और हेड को क्लोज कर दिया। ये यहाँ पे मैंने बड़े अल्फाज में लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप इनको छोटे अल्फाज में लिख लें, बड़े अल्फाज में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद बॉडी का टैग शुरू किया। अब बॉडी के अंदर हम सबसे पहले जो है मैंने तो वैसे HTML का कोड लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जो है वो जावा का कोड भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने समझाने के लिए जो है आप लोगों को वो पहले HTML का कोड लिखा है ताकि फिर बाद में मैं आपको जावा समझा सकूँ कि जावा कैसे होगा। अब यहाँ पे HTML को कोड करने के लिए यहाँ पे मैंने वो स्नैपशॉट लगा दी है जो टीचर ने हमें रिक्वायर्ड किया। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ आना चाहिए जी एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेटर, तो अब ये हमने लिखना है H1 हेडिंग के साथ। तो यहाँ पे मैंने H1 हेडिंग शुरू की, स्टाइल लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ साथ CSS को भी ऐड कर लिया कि वो जो टीचर ने हमें कलर्स ऐड किए हुए हैं वो मैंने CSS के थ्रू ऐड कर दिए। आप ये कलर ऐड करें या ना करें इससे भी कोई वो नहीं पड़ता फ़र्क, लेकिन अगर आप ये ऐड कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि टीचर को फिर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि वो आपके मार्क डिटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर मैंने स्टाइल लिखा, स्टाइल और इन्वर्टेड को हम आपके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कि हमारा ये जो टेक्स्ट है एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेटर वाला ये अलाइन सेंटर होना चाहिए। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल और टॉप से जो है वो ये 10 पिक्सल के बाद शुरू हो। बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने बैकग्राउंड का कलर कोड डाल दिया है और फिर मैंने H1 का जो एंगल ब्रैकेट है उसको क्लोज किया और फिर उसके अंदर लिख दिया एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेटर और फिर H1 के टैग को क्लोज कर दिया। और HTML का मैंने पहले भी जो मेरी वीडियोज़ आई हैं उसमें मैंने बताया कि HTML बेसिकली बॉक्सेस की गेम है। हमने एक बॉक्स से स्टार्ट करना है, फिर उसके अंदर बॉक्स, फिर उसके अंदर बॉक्स, और हो सकता है फिर उसके अंदर भी कोई बॉक्स हो। तो हमने ये HTML का बॉक्स स्टार्ट किया, इसके अंदर सारा बॉक्सेस आएंगे। फिर हेड का, हेड के अंदर ये टाइटल का बॉक्स आ गया और फिर HTML में बॉडी का बॉक्स आ गया। बॉडी के अंदर फिर हमने ये H1 का एक और मज़ीद बॉक्स कर दिया। तो साथ साथ अगर क्लोज करते जाएंगे तो फिर हम भूलेंगे नहीं कौन सा बॉक्स हमने ओपन कर लिया है, कौन सा क्लोज करना है। तो मैं भी साथ साथ क्लोज करता हूँ। फिर हमने H3 लिखा। H3 वो जो नीचे हमने वेलकम टू ऑनलाइन सैलरी कैलकुलेटर लिखना था उसके लिए उसने टीचर ने कहा था कि H3 यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने स्टाइल लिखा, इन्वर्टेड कॉमा आपके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसको भी हमने अलाइन सेंटर कर दिया और मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल कर दिया कि पहले वाला जो है उससे 30 पिक्सल पे ये हमारा वेलकम टू ऑनलाइन सैलरी कैलकुलेटर आना चाहिए। बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैंने कलर का कोड डाल दिया, ये कलर कोड मैंने वही लिए हैं जो टीचर ने हमें दिखाए हुए हैं। तो आप इन कलर कोड्स को चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर मैंने लिखा वेलकम टू ऑनलाइन सैलरी कैलकुलेटर और फिर H3 को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमें एक टेबल दिया गया, टेबल में हमने यहाँ पर लिखा टेबल अलाइन सेंटर, कि जो हमारा टेबल है वो भी सेंटर के अंदर आना चाहिए। फिर हमने फॉर्म शुरू किया, क्योंकि ये एक फॉर्म है उसके अंदर काफ़ी सारी फील्ड है, और एंड पे हमने वो फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना है। तो यहाँ पे फॉर्म एक्शन, एक्शन के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। एक्शन के अंदर जहाँ पे अपने सबमिट करवाना हो वो भी लिख सकते हैं, अगर हम ब्लैंक छोड़ देंगे तब भी कोई मसला नहीं है। फॉर्म एक्शन आ गया। उसके बाद टेबल के अंदर हमारे पास जो है मुख्तलिफ रोज़ होती हैं या सेल्स होती हैं। अब टेबल रो हमने शुरू की, देखें ये वाली हमारी जो है पहली रो बन जाएगी जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी और आगे आईडी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने टीआर शुरू किया, एक टेबल रो बन गई। टीडी एक सेल बनाने के लिए है, टीडी शुरू किया, उसके अंदर मैंने लिखा एम्प्लॉय आईडी और टीडी को बंद कर दिया, तो ये वाला एक सेल बन गया। उसके बाद अब हमने ये वाला एक और सेल बनाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टीडी और उसके अंदर लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और वैल्यू इसके अंदर मैंने लिख दी एमसी और बीसी और आगे एक्स 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 लगा दिया। यहाँ पे हमने अपना जो है वो वीयू वाला आईडी देना है। इसके साथ ही मैंने टीडी को बंद किया और फिर टीआर को बंद किया, मतलब अब ये एक रो बन गई और उसके अंदर जो दो टीडी हैं वो दो टीडी जो है वो दो सेल बन गए। इसी तरह हमने नीचे वाला बनाना है एम्प्लॉय नेम और फादर नेम के लिए। यहाँ पे मैंने टीआर लिखा, टीडी लिखा, एक सेल बन गया, एम्प्लॉय नेम लिखा और टीडी करके मैंने इसको क्लोज कर दिया। फिर मैंने टीडी एक नया शुरू किया, इसके अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ये तो हम याद ही कर लें क्योंकि हमारी जो हर टेक्स्ट फील्ड है या जो बटन है या जो कुछ भी है वो इनपुट टाइप से ही बनता है कि हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट फील्ड बन जाएगी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन लिखेंगे तो बटन बन जाएगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लिखेंगे तो पासवर्ड वाली फील्ड बन जाएगी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक लिखेंगे तो चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिखेंगे तो रेडियो बटन बन जाएंगे। तो इनपुट टाइप ये हमने याद कर लेना और उसके आगे इन्वर्टेड को हम आपने जो भी लिखना वो हम लिखते चले आगे। इसकी जो वैल्यू है वहाँ पर मैंने अपना नाम मोहसिन रफ़ा लिख दिया है जी, और फिर मैंने टी डी को क्लोज कर दिया और फिर टी आर को क्लोज कर दिया, तो हमारी ये जो सेकंड रो है ये बनी और फिर उसके अंदर दो टी डी हमने लिए, उसमें एक एम्प्लॉय नेम लिखा और दूसरे में वो टेक्स्ट फील्ड इनपुट वाली लगा दिया जी। नेक्स्ट जो है हमने फिर एक टी आर को लिया जी, एक नई रो बना लिया, उसके अंदर टी डी लिया, उसमें फादर नेम लिखा और टी डी को हमने क्लोज कर दिया। फिर हमने टी डी लिया एक और सेल बनाने के लिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये वही बात आ गई जी, हम एक टेक्स्ट फील्ड बनाने जा रहे हैं लेकिन इसकी जो वैल्यू है उसके अंदर मैंने फादर नेम की वैल्यू लिख दी है। और ये वैल्यू हम इसलिए लगा रहे हैं कि उसने कहा था टीचर ने मतलब रिक्वायर्ड किया था कि वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आनी, यहाँ पे फादर नेम लिख दिया, टीडी को क्लोज किया और टीआर को क्लोज किया, तो हमारे पास ये तीन रो बन गई और 6 सेल बन गए, मतलब दो दो टीडी हमने एक एक टीआर के अंदर लगा के ये बना लिया। अब नेक्स्ट हमने वो रेडियो बटन बनाना है जेंडर वाला, उसको मेल या फीमेल, और यहाँ पे टी आर लिखा, टी डी के साथ हमने जेंडर लिखा, टी डी में एक और टी डी लिया मतलब सेकंड, उसके अंदर मेल लिखा और फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, यहाँ पे देखिए रेडियो आ गया तो रेडियो बटन बन जाएगा, नेम इज इक्वल टू जेंडर, उस जो हमने रेडियो बटन बनाया है उसका नाम मैंने जेंडर रख दिया, वैल्यू इज इक्वल टू मेल और यहाँ पर मैंने चेक्ड लिख दिया है जी इज इक्वल टू चेक्ड। इससे क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो चेक आएगी। अगर मेरी बहन कोई असाइनमेंट बना रही है तो वो नीचे वाली मतलब जहाँ पे फीमेल इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल, यहाँ पे वो फिर लिखेगी चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड इन्वर्टेड कॉमा आपके अंदर लिख देगी, तो वो फीमेल बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर मैंने टी डी को बंद किया सेकेंड वाले को, फिर टी आर को बंद किया, तो ये टेबल रो भी जो है वो क्लोज हो गई। आगे फिर मैंने एक और टी आर लिया है जी, एक नई रो बन जाएगी, टीडी एक सेल बन गया, CNIC लिखा, इसमें टीडी को क्लोज किया, टीडी एक और लिया, एक और नया सेल बन गया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए हमारा CNIC एंटर करने के लिए, और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है जी 36602 092-5, ये वही फॉर्मेट है जो हमें टीचर ने रिक्वायर्ड किया। फिर टी डी को क्लोज किया और फिर हमने टी आर को क्लोज किया, तो हमारा जो है टेबल रो क्लोज हो गए। आगे हमने टी आर लिखा है, नई रो बन गई, टी डी बेसिक सैलरी लिखा, अभी एक यहाँ पे स्टैरिक लिखा। अब स्टैरिक का मतलब ये है कि ये फील्ड आपको फिल करना नेसेसरी है, तो यहाँ पे भी टीचर ने हमें वो सारे स्टैरिक दिए हुए हैं, तो ये सारी फील्ड मस्ट फिल होंगी। फिर टी डी को क्लोज किया, फिर टी डी एक नया शुरू किया, एक नया सेल बन गया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, और फिर यहाँ पे मतलब जो वो नंबर वाली फील्ड बन जाएगी। अब यहाँ पे एक नई बात आ गई है आईडी। अब ये आईडी हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ करना है, फिर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके उस फील्ड की जो वैल्यू है उसको जो हम एक्सेस करेंगे वो थ्रू आईडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है इस फील्ड की जो है आईडी है वो यहाँ पे बेसिक सैलरी लिख रही है। यहाँ पे आप BAS या सैलरी भी लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, वट एवर। तो मैंने यहाँ पे फील्ड का नाम जो मतलब ऊपर TD के अंदर लिया है वही यहाँ पे मैंने उसका ID रख दिया ताकि मुझे याद रहे। बेसिक सैलरी लिख दिया, TD को क्लोज किया और TR को भी हमने क्लोज कर दिया, ये रो बंद हो गई। आगे हमें टीचर ने कहा था कि आगे हमने वो यूटिलिटीज़ वाला कैलकुलेट करना है, तो मैंने TR लिया और TD एक शुरू किया, उसमें यूटिलिटी लिखा, स्टैटिक लगाया। ये फील्ड भी हमारी कंपलसरी होगी कि ये भी एंटर होनी चाहिए। TD को क्लोज किया, TD को क्लोज करने के बाद हमने फिर एक नया TD शुरू किया, उसमें इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, ID इज इक्वल टू यूटिलिटीज़, मैंने इसका ID रख दिया और ये डिसेबल्ड, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू यूज़र जो है वो खुद एंटर नहीं करेगा बल्कि डिसेबल्ड होगी, ताकि ये कैलकुलेट जो होगी हमारी बेसिक सैलरी के थ्रू, क्योंकि 10% हमारा यूटिलिटीज था, 8% हमारा हाउस रेंट था, तो वो जो वैल्यू कैलकुलेट होंगी वो इन फील्ड्स के अंदर आएंगी, तो इसलिए हमने इसको डिसेबल रख दिया। फिर हमने TD को क्लोज किया, फिर हमने TR को भी क्लोज कर दिया। फिर हमने एक नया TR शुरू किया, नया एक TD शुरू किया, नया सेल बन गया हाउस रेंट, और फिर TD को क्लोज कर दिया। फिर एक नया TD शुरू किया, नया सेल बन गया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, और इसका जो हमने ID रखा है वो हाउस रेंट रखा है, और ये भी फील्ड डिसेबल्ड होगी। TD को हमने क्लोज किया और TR को क्लोज किया, तो हमारे पास ये वाला जो यहाँ पे एक पिक्चर आ रही है यहाँ तक बन गया। नेक्स्ट जो है वो एक नया TR शुरू किया, उसके अंदर हम टैक्स परसेंटेज लिखेंगे। TD एक नया शुरू किया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, ID इज इक्वल टू टैक्स परसेंटेज, और ये भी हमारी डिसेबल्ड होगी। यहाँ पे टेक्स्ट की जो परसेंटेज है वो आ जाएगी, मतलब टेक्स्ट की जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होकर वो आ जाएगी। और TR को हमने क्लोज कर दिया। एक नया TR शुरू किया, उसके अंदर मैंने लिखा टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी में क्या होगा कि वो हमने जो ऊपर हाउस रेंट और यूटिलिटीज़ बनाई हैं उन दोनों को जमा करके और उसमें फिर टैक्स माइनस करके, तो बाकी की जो वैल्यू बचेगी वो हमारी टोटल सैलरी होगी। उसके लिए हमने TD शुरू किया, टोटल सैलरी का TD बंद कर दिया। इसके बाद हमारा एक नया TD शुरू किया, उसमें हमने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, ID इज इक्वल टू टोटल सैलरी, और ये डिसेबल होगी फील्ड, और TD को हमने बंद कर दिया और टेबल को भी हमने बंद कर दिया। आगे जो है वो TR आ गया। फिर हमने एक TD लिया, इसके अंदर टेक्स्ट ईयर लिया। अब ये हम वो सिलेक्टेड लिस्ट बना रहे हैं, वो जो ईयर हमने सेलेक्ट करना है ये उसके लिए यहाँ पे TD लिखा। अब वो जो लिस्ट बनती है वो सिलेक्ट से बनती है, सिलेक्ट का टैग यूज होकर, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट लिखा और फिर ऑप्शंस, उसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं वो, हाँ वहाँ पे हमने 5 ईयर्स का डेटा देना था, और रिक्वायर्ड जो था वो ये था कि 2014 है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर लोड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पहले ही 2014 ले लिया, ऑप्शन वैल्यूज इक्वल टू 2014 और 2014 लिखा, ऑप्शन को क्लोज किया। फिर इसी तरह सेकेंड ऑप्शन लिया, उसके अंदर 2015 लिखा, ऑप्शन को क्लोज किया। फिर थर्ड ऑप्शन को 2016 लिखा, ऑप्शन को क्लोज किया। फिर ऑप्शन लिया 2017 और ऑप्शन क्लोज, फिर ऑप्शन 2018 और फिर ऑप्शन क्लोज, फिर सेलेक्ट का टैग हमने जो यूज़ किया था वो क्लोज, फिर TD क्लोज और फिर TR भी क्लोज हो गया। ये यहाँ तक बन गया जहाँ तक वो हमारी लिस्ट आनी। उसके बाद हमने 2 बटन बनाने थे और एक मैसेज लिखना था। वो हमने नया एक रो ली, उसमें TR लिया, TD कॉल स्पैन। इसका मतलब ये है कि ऊपर हमारे 2 कॉलम आ रहे हैं, क्योंकि हर रो के अंदर जो है वो 2 सेल बना रहे हैं, तो उन दोनों को हमने मर्ज करना है। तो उसके लिए हम ये लोग यूज़ करते हैं एक कीवर्ड कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या करता है, वो 2 कॉलम्स को आपस में मर्ज कर देता है, एक ही बना देता है। तो हमने लिखा कॉल स्पैन इक्वल्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2, तो इसका मतलब यह है कि 2 कॉलम्स को मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बना देगा। आगे हमने किया इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू कैलकुलेट, एक बटन बनाया उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। ऑन क्लिक, इसके ऊपर ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होगा। इक्वल्स सेल कैल्क, वो जो उसने हमें सैलरी कैलकुलेट का फंक्शन दिया है वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। फंक्शन का नाम जब हम ऑन क्लिक करेंगे, मतलब कैलकुलेटर के बटन पर माउस को ले जाएंगे और क्लिक का बटन दबाएंगे, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद स्पैम लिखा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, एक रीसेट का बटन बन गया। वैल्यू इज इक्वल टू क्लियर, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सारी वैल्यूज़ क्लियर हो जाएंगी। यू कैन प्रेस रीसेट बटन फॉर एन अदर एम्प्लॉय, अगर हमने किसी और एम्प्लॉय का डाटा कैलकुलेट करना है तो हम रीसेट का बटन यूज़ करेंगे। इसी तरह हमने फॉर्म को बंद किया, फिर टेबल को हमने बंद कर दिया। यहाँ तक का जो कोड है वो दोस्तों हमारा सारे का सारा HTML का। आगे होगा हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड शुरू। ये जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो हम बॉडी से पहले भी लगा सकते हैं, और फिर हम HTML कोड, मतलब HTML कोड हम बाद में लिखें पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो है जावास्क्रिप्ट का कोड आया हुआ है जी, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट लिखा, फंक्शन का नाम उसने हमने FAL और FAL कैल्क दिया हुआ था, वही हमने फंक्शन लिखा और विद इन करली ब्रैकेट शुरू की। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल का नाम हमने बेसिक सैलरी लिखा, इक्वल्स ये बेसिक सैलरी इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसने क्या करना है, ID एक गेट करना है। वो ID कौन सा है जी, बेसिक सैलरी वाला, वो जो हमने वहाँ पे एक फील्ड बनाई थी और उसमें यहाँ पे ID बेसिक सैलरी लिखा था, यहाँ से वो वैल्यू गेट करनी है और यहाँ पे ले आनी है वैल्यू के अंदर, और डॉट लगा के वैल्यू हमने सेमी कॉलन के साथ बंद कर दी। और फिर हमने क्या करना है, इफ इज NAN बेसिक सैलरी, अगर हमारी जो बेसिक सैलरी है वो नॉट अवेलेबल है या वो इक्वल है बेसिक सैलरी या लेस देन है इक्वल टू 0, देन वो क्या करे, वो हमें एक विंडो मैसेज अलर्ट दे। अगर हमारी बेसिक सैलरी नहीं है या बेसिक सैलरी 0 से कम है या 0 के इक्वल है, तो वो क्या करे, विंडो डॉट अलर्ट एक ऐसी विंडो आनी चाहिए जिसके ऊपर लिखा होना चाहिए बेसिक सैलरी इज़ मिसिंग। तो यहाँ पे ये बेसिक सैलरी इज़ मिसिंग का अलर्ट आ जाएगा। अगर 0 से ज़्यादा है या मतलब बड़ी अमाउंट है, तो फिर क्या करें, एल्स वाले फंक्शन पे चला जाए। तो एल्स वाले में मैंने केस बना दिए, जैसे हम लोग स्विच स्टेटमेंट इसमें यूज़ करते हैं, उसी तरह मैंने केस बनाए। एक केस पे क्या होगा, बेसिक सैलरी जो यहाँ से उसने गेट की है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 करें, ताकि हमारी जो यूटिलिटीज़ हैं वो कैलकुलेट हो जाए। और फिर क्या करें, वो उस वैल्यू को दिखा दे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, तो वो बाय D से गेट करे, और यूटिलिटीज़ वाला ID हमने उसका रखा था डॉट वैल्यू इज इक्वल टू A, और फिर ये सारी वैल्यूज़ A के अंदर डाल दे, ताकि हम वो जो है वैल्यू को आगे प्रिंट कर सकें जो हमने फील्ड्स को डिसेबल किया हुआ था। आगे हमने B केस लिया, B केस के अंदर बेसिक सैलरी लिखा, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइडेड बाय 100। ये अब हम हाउस रेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यहाँ से वो वैल्यू लेनी है और फिर डॉट वैल्यू इक्वल B, और फिर वो B को वहाँ पे प्रिंट कर देना। C केस में बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 100, ये हम टेक्स्ट की परसेंटेज की वो जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इक्वल्स टेक्स्ट परसेंटेज डॉट वैल्यू इक्वल C, यहाँ पे C की वैल्यू प्रिंट कर दे। और फिर हमने D केस लिया, D केस में हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो है A मतलब बेसिक सैलरी प्लस B हमारा हाउस रेंट आ गया, उसको भी जमा करें, जमा बेसिक सैलरी माइनस C, और फिर हमारी बेसिक सैलरी में से C को माइनस कर दे मतलब टैक्स को निकाल दे। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को जमा कर लेगा। उसके बाद हमने देना है जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे हमें टोटल सैलरी डॉट वैल्यू इक्वल्स D, तो D की वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह हमने करली ब्रैकेट वो पहली बंद की, फिर करली ब्रैकेट दूसरी बंद की, और फिर स्क्रिप्ट जो है हमने जो जावा स्क्रिप्ट का कोड यूज़ किया था उसको हम स्क्रिप्ट के साथ बंद कर देंगे, फिर बॉडी के टैग को बंद कर देंगे और HTML के टैग को हमने बंद कर दिया। तो इस तरह जो है वो हमारी असाइनमेंट बन जाएगी। दोस्तों ये जितना सारा कोड था ये अभी मैं आपको लाइव जो है वो वहाँ पे नोटपैड के अंदर डाल के और आपको दिखाता हूँ कि वो उसकी वर्किंग कैसे होगी। तो आइए हम लोग अब वो लाइव कोड की तरफ चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे वर्किंग कैसे होगी। दोस्तों लाइव के लिए हम लोग सबसे पहले नोटपैड खोलेंगे। ये हमने नोटपैड नोटपैड ये हमारा जी नोटपैड आ गया। नोटपैड में हमने वो सारे का सारा कोड जो मैंने आपको उधर बताया है वो मैंने सारा लिख दिया है। इसको हम फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के लिए यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखें जी के जी माय सेकंड असाइनमेंट CS101, और जब हम फाइल का नाम लिख लेंगे तो इसके एंड पे ये HTML, ये HTML दोस्तों लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी अगर आप HTML नहीं लगाओगे तो फिर ये सारी की सारी एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। तो ये हमने डेस्कटॉप का और सेव कर दिया। जब हम इसको सेव कर देंगे तो हमारे पास जो है डेस्कटॉप के ऊपर ये एक फ़ाइल आ गई ब्राउज़र की शक्ल की। अगर आपने क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है या फायरफॉक्स, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये एक वो कैलकुलेटर आ गया। अब उसमें हमने H1 के साथ उसने कहा था कि पहली हेडिंग होनी चाहिए एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेटर की, फिर हमारी जो है वो वेलकम टू ऑनलाइन सैलरी कैलकुलेटर, ये हमारा S3 के साथ होना चाहिए। फिर ये सारी फील्ड्स होनी चाहिए और जब हम कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करें तो हमें ये एक अलर्ट मैसेज आना चाहिए बेसिक सैलरी इज़ मिसिंग का। हमने इसको ओके किया। जब हमने इसके अंदर बेसिक सैलरी एंटर की तो जब हम कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करें तो यूटिलिटीज़, हाउस रेंट, टैक्स परसेंटेज, टोटल सैलरी और यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे। यदि हम 2016 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे सारी फील्ड्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फिल होनी चाहिए और वो कैलकुलेशन भी होनी चाहिए। ये सारी हो गई है जी। अगर हमने किसी और एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करनी है तो हम क्लियर के बटन पर क्लिक करेंगे और उससे सारी फील्ड जो हैं वो हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो क्लियर के बटन पर क्लिक करें तो ये सारी हो क्लियर हो गई हैं जी। अब दोस्तों ये थी हमारी वो असाइनमेंट CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की और ये उसका कोड हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है सारी जो हमारी असाइनमेंट है वो समझ आ गई होगी और इसको कोड कीजिए। आपने इसको HTML के अंदर कोड करना है और नोटपैड के अंदर कोड करना है और कोड करने के बाद जो है को कंपाइल कीजिए और उसे टेस्ट कीजिए। मुफिन भाई का चैनल देखते रहिए और मेरी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिए www.vsss.com। उस पर मैंने फाइनल टर्म के हवाले से भी काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड कर दिया है। अगर किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट मिसिंग है तो वो मुझे एक मैसेज कर दे, मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया हुआ है, मुझे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर दूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।